फ्रेंड्स नमस्कार। आज का हमारा यह वीडियो आपकी हाइट के ऊपर है, अर्थात आप अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपना कद कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स आज मैं यहां आपको हाइट बढ़ाने का, अपना कद बढ़ाने का दो उपाय बताने जा रहा हूं, और ये दोनों उपाय बहुत सरल है। आप इन दोनों उपाय को करके आसानी से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपनी फैमिली में किसी गर्ल्स की अर्थात किसी लड़की की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस गर्ल्स की आयु, उस लड़की की उम्र कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, 17 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी लड़के की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, आप किसी बॉयज़ की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस बॉयज़ की उम्र, उस बॉयज़ की एज कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए, 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा पहला उपाय है, आपको सुबह जल्दी उठना है और फ्रेश होकर के आपको योगासन करना है। योगासन के रूप में आप चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऐसे सभी आसन कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेस मिलता है। अगर आप योगासन नहीं करना चाहते तो आप मॉर्निंग रनिंग कर सकते हैं, अर्थात आप सुबह के समय में दौड़ लगा सकते हैं। अगर आप योगासन नहीं करना चाहते, आप मॉर्निंग रनिंग नहीं करना चाहते, तब भी आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पुलअप्स करने की ज़रूरत है, अर्थात आपको पुलअप्स करना है, आपको लटकने वाली एक्सरसाइज करना है। आप शुरुआत में 5 पुलअप करिए, धीरे धीरे उसकी मात्रा आप बढ़ा करके 20 से 25 पुलअप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हमारा दूसरा उपाय है, अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम युक्त हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, अर्थात आपको कैल्शियम से भरपूर आहार लेना पड़ेगा। कैल्शियम से भरपूर आहार लेने के लिए आपको मिल्क लेना है, आप दूध ले सकते हैं, दूध के साथ साथ आप बादाम भी ले सकते हैं, आप खारक ले सकते हैं, खारक अर्थात आप छुआरा भी ले सकते हैं, आप मशरूम ले सकते हैं, जो मशरूम आता है आप उसे भी ले सकते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने के लिए आप व्यवस्था के हिसाब से ऑरेंज जूस अर्थात कि संतरे का रस भी ले सकते हैं, ऑरेंज के जूस में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम मौजूद होता है। आपको व्यवस्था के हिसाब से आप गाजर का भी आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि गाजर में भी कैल्शियम उपस्थित होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मांसाहारी है, तो आप कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए अंडे का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मछली और मांस का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि एग्स, मीट एंड फिश में भी एनफ मात्रा में, एनफ क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाता है। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने आपको जो 3 व्यायाम बताया है, 3 में से अगर आप किसी एक व्यायाम को भी कर लेते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम युक्त आहार अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा बनी रहेगी, जो आपकी बोन्स की, अस्थि की ग्रोथ में हेल्प करेगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चैनल पर पहली बार आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ टॉपिक आपकी हेल्थ का है और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।